दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मीशो ऐप पे प्रॉपर तरीका से स्मूथली अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है। मैं इस वीडियो में मीशो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैंक के साथ लिंक करके प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में एक फ्रेंड की मोबाइल पे मीशो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी मीशो एप्लीकेशन को रेफर करके काफ़ी सारा पैसा अर्निंग कर चुका हूँ, जिनका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। मैं इस वीडियो में एक्चुअल प्रोसेस ही दिखाऊंगा ताकि आप भी मीशो एप्लीकेशन को रेफर करके काफ़ी सारा पैसा अर्निंग कर सकते हो। तो देखिए, मैं मीशो एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर चुका और इंस्टॉल होते ही यहाँ पर ओपन पे मैं क्लिक कर दिया। ओपन होते ही यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सिलेक्ट योर जेंडर मेल फीमेल। मैं मेल हूँ तो मेल के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मिडिल पर देखिए यहाँ पर बोला गया 30% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, आपकी फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा क्योंकि कुछ दिन बाद ये ऑफर ऑफ हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर देखिए कोने में यहाँ पर देखिए लिखा है अकाउंट, अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही एकदम ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा है साइन अप, साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर इस तरह से दिखेगा। अगर ये मोबाइल नंबर आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पर देखिए नॉन ऑफ द एबव के ऊपर मैं क्लिक करके मैं अपना मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर दिया और सेंड ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पर ओटीपी ऑटो वेरीफाई ले लेगा। देखिए ओटीपी ऑटो वेरीफाई हो चुका। वेरीफाई होते ही इंटरफेस इस तरह से दिखेगा, ऊपर मैसेज भी आ गया। उसके बाद ऊपर कोने में राइट साइड पे यहाँ पर देखिए एडिट पीपल, एडिट पीपल के ऊपर क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड पिक्चर, आपका पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हो। और नीचे देखिए आपकी नेम, आप यहाँ पर कुछ भी नेम आप टाइप कर सकते हो, बेटर होगा आपका रियल नेम आप टाइप कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी, इनके ऊपर क्लिक करके ईमेल आईडी इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा। ईमेल को सिलेक्ट कर लिया, जेंडर मेल ऑटोमेटिक है। और यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, मैं यहाँ पर अपना लैंग्वेज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मैं तीन लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो, और नीचे देखिए अबाउट मी, आपके बारे में कुछ यहाँ पर लिख दीजिए। मैं यहाँ पर गुड बॉय लिख दिया। उसके बाद आपकी एरिया की जो पिन कोड है, पिन कोड यहाँ पर टाइप करना होगा। यहाँ पर और एक चीज़ छूट गया, मैं स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए माय बिजनेस नेम, यहाँ पर आपकी अगर कोई कंपनी हो या कोई शॉप हो तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आपकी एरिया की जो पिन कोड है, पोस्टल पिन कोड यहाँ पर टाइप करना होगा। नीचे पिन कोड डालते ही आपकी सिटी, आपकी स्टेट ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं लिया तो आप टाइप कर सकते हो। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, आप यहाँ पर पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। और नीचे देखिए सेव, सेव के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। आप मैं देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा रहा है। आप मैं बैंक अकाउंट ऐड करके दिखाऊंगा किस तरह से बैंक अकाउंट को प्रॉपर तरीके से ऐड किया जाता है। आप मैं आपके सामने ही बैंक अकाउंट ऐड करके दिखाऊंगा, सही तरीके से बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा क्योंकि आपकी रेफरल जो कमीशन है वो आपके बैंक पे डिपॉजिट हो जाएगा हर हफ्ते। मेरे को बुधवार पेमेंट दिया जाता है। देखिए मीशो एप्लीकेशन को मैं फिर से ओपन कर लिया, और ओपन होते ही एकदम नीचे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, एकदम नीचे यहाँ पर माय अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए रेफर एंड अर्न, यहाँ पर क्लिक करके आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। मैं फिर से रेफर एंड अर्न के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए रेफर ए फ्रेंड के ऊपर क्लिक करते ही आपकी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से आप अपना लिंक को आप शेयर कर सकते हो। मैं बैक कर लिया। बैक करके यहाँ पर देखिए माय बैंक डिटेल, माय बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कर दिया। माय बैंक डिटेल फिर से आपको दिखा रहा हूँ, माय बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड करूँगा। यहाँ पर देखिए एकदम ऊपर बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, ये सब आपको आपकी बैंक अकाउंट की जो पासबुक है पासबुक पे दिख जाएगा। आप पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ भी लिंक कर सकते हो। मैं पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पेटीएम अकाउंट नंबर यहाँ पर सबमिट कर दिया। यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पर देखिए आईएफएससी कोड, मैं सब कुछ यहाँ पर टाइप कर दिया। पेटीएम अकाउंट नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर ही आपकी पेटीएम अकाउंट नंबर है, सिर्फ सामने 91 यहाँ पर सेट करना होगा। यहाँ पर देखिए आईएफएससी कोड, और नीचे देखिए सबमिट, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। आईएफएससी कोड गलत हो चुका, फिर से मैं यहाँ पर देखिए आईएफएससी कोड देखे मैं कन्फर्म कर दिया। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो चुका।
और इस तरह से आपको दिख जाएगा। दोस्तों आपके अकाउंट नंबर आप चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इससे पहले मेरा अकाउंट नंबर को मैं चेंज कर दिया तो मेरा 600 के ऊपर रेफरल जो है वो 00 हो गया। और देखिए बैंक से यहाँ पर सक्सेसफुली मैसेज भी आ चुका है दोस्तों। और एक बात याद रखना, जब आपके अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो मीशो की तरफ से आपके अकाउंट पे 1 रुपया सेंड कर दिया जाएगा। यही आपकी प्रूफ है कि आपके अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हुआ कि नहीं, आप 1 रुपया चेक कर सकते हो दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं खुद का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक ही मोबाइल पे 2 मीशो एप्लीकेशन को यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपकी टोटल जो रेफरल फ्रेंड है वो सब 0 हो जाएगा, आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। एक मोबाइल पे 2 मीशो एप्लीकेशन यूज़ मत कीजिएगा। मीशो एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।